हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं पंजिम गोवा आई हुई हूँ और आज मैं जा रही हूँ यहाँ पे मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो को एक्सप्लोर करने और आपको दिखाने कि यहाँ पे इनसाइड क्या होता है और ये कैसा होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी यहाँ पे जाने के लिए कि यहाँ पे अंदर क्या होता है, बिकॉज़ ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगता है जब आप गोवा आते हो। तो यहाँ पे ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कैसीनो देखने को मिल जाएगी और मैंने जो अपनी टिकट थी ना या कैसीनो की, वो ऑनलाइन बुकिंग की थी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग भी अवेलेबल होता है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं कैसीनो के। तो ये ना एक तरह का क्रूज़ी होता है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली पैकेजेस को चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको गेम नहीं खेलना है तो आप उस तरह का भी पैकेज इंजॉय कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे को वेस्ट कर देते हो। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे बस एक बार जा सकते हो, यहाँ के वाटर को, यहाँ के फूड को इंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे वीकेंड्स में ना जाएं, बिकॉज़ वीकेंड्स में यहाँ पे काफ़ी रश होती है और टिकट की जो प्राइस है वो भी आपको हाई मिलती है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको वीकडेज में जाना चाहिए, तो आपको रिजनेबल प्राइस भी मिल जाता है टिकट का। या तो अगर आप अपनी फोर व्हीलर से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको वैले पार्किंग भी अवेलेबल होता है। तो अब मैं आ गई हूँ मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो के सामने और अब मैं अंदर आ गई हूँ। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना टिकट दिखाना होता है और फिर ये आपको यहाँ पे वॉक करके जाना होता है, क्योंकि वो जो मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो है वो थोड़ा दूर होता है। तो पहले वो आपको दूसरे बोट पे बैठाते हैं, फिर वो आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं दूसरे बोट पर बैठने। तो यहाँ पे ना आपको नाइट टाइम में बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलता है और अपनी बोट राइड का भी यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से आप प्यारा सा व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग बोट के अंदर जा रहे हैं और इस बोट के थ्रू आप हम कैसीनो तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोट भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे प्रॉपरली सीटिंग अरेंजमेंट्स भी दिया गया है। तो हम यहाँ पहुँचे थे रात के 8 बजे, बिकॉज मुझे यहाँ का व्यू इंजॉय करना था और रियली काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना लेट नाइट तक भी इंजॉय कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, बट हम जल्दी वापस आ गए थे। तो जिस बोट से आप जा रहे हैं उसी बोट से आपको वापस भी लेकर आया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोट के थ्रू आप यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हर तरफ आपको लाइट्स ही लाइट्स देखने को मिलेगी और यहाँ पे नाइट टाइम में बोट के थ्रू एंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा पंजिम देखने को मिल जाएगा और कितना प्यारा व्यू लगता है यहाँ पे से। तो यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, लग रहा था कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ। आप हर कॉर्नर देख सकते हैं, इतना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था नाइट के टाइम में। तो इतने ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है मैजेस्टिक ब्राइट कैसीनो। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर की ना, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल एम्बियंस मुझे एंजॉय करने को मिला, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं किसी क्रूज में पहुंच गई हूँ रियली। तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट डेक अवेलेबल है और यहाँ पे गेमिंग जोन भी बना हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं गेम खेलना तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे ना वो गेमिंग जोन को ये लोग वीडियो में कैप्चर करने नहीं देते हैं, और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत चीज़ एक्सप्लोर करने को। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर की, यहाँ पे आपको पूरा रेस्टोरेंट एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अनलिमिटेड बुफे इंजॉय कर सकते हैं एज पर योर टिकट। तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट डेक अवेलेबल है। फर्स्ट डेक में आप रेस्टोरेंट एरिया देख सकते हैं, सेकेंड डेक में भी रेस्टोरेंट एरिया है और वहाँ पे आप बुफे इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लाइव परफॉर्मेंस भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे टॉप फ्लोर पे भी आप रेस्टोरेंट एरिया को इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे लाइव फूड काउंटर एंड लाइव डांस परफॉर्मेंस भी इंजॉय कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये है यहाँ का फर्स्ट डेक, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे कितना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट्स दिया गया है। और यहाँ पे ना आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड लाइव काउंटर अवेलेबल थे, यहाँ पे आप बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का गेमिंग जोन, जहाँ पे वो आपको वीडियो अलाउड नहीं है और वो आपको मना करते हैं वीडियो लेने का, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा वीडियो ले लिया मैंने। तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट जोन अवेलेबल है, जैसे आप किड्स के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं कि अगर आपको किड्स लेके जा रहे हैं आप साथ में, तो उनको आप डिफरेंट प्लेइंग एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन रेस्टोरेंट एरिया मिल जाएगा, VIP जोन मिल जाएगा, तो वो आपके टिकट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने प्राइस का टिकट बुक किया। यहाँ पे मिनिमम जो टिकट का प्राइस है वो है 1500 से स्टार्ट होता है, और अगर आप न्यू ईयर 1 जनवरी या 31 दिसंबर में जाएंगे तो इस टिकट का प्राइस आपको 9000-10000 पे करना पड़ता है, बिकॉज उस वक्त बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कौन सा टिकट लेना है।
तो अब मैं आ गई हूँ सबसे रूफ टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे ना आप ओपन रेस्टोरेंट एरिया को इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते कितना ज़्यादा रश है, और यहाँ पे ना आप लाइव फूड काउंटर भी इंजॉय कर सकते हैं, और अभी आप यहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंस को भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो सच में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्रूज़ में आ गई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी क्रूज़ में गई नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो यही एक्सपीरियंस क्रूज़ जैसा था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल व्यू इन्जॉय करने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल पैसा वसूल है। आप एक बार जा सकते हैं यहाँ से अपने ब्यूटीफुल व्यू को इन्जॉय करने, लाइट्स को देखने, पंजिम का जो ब्यूटीफुल व्यू है उसको इन्जॉय कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना आप साउथ इंडियन क्यूजीन को इन्जॉय कर सकते हैं, और उसमें आप जितने भी वैराइटीज़ के डोसा एंड इडलीज़ वो आप सब यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, और फूड के साथ ही साथ यहाँ पे आप लाइव डांस परफॉर्मेंस इन्जॉय कर सकते हैं, जिसमें आप बॉलीवुड हॉलीवुड डिफरेंट स्टाइल के परफॉर्मेंस देखेंगे आप मेरी वीडियो में। तो चलिए आप भी इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। तो यहाँ पे ना आप लेट नाइट तक डांस परफॉर्मेंस इंजॉय कर सकते हैं, फूड भी इंजॉय कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो अगर आप भी पार्टी वाइब को इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर्स की तरह डांस कर रहे थे, और रियली इनका डांस काफी अच्छा लग रहा था।
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।